बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, टॉपिक हमारा आज का है रीजनिंग का, यानी किस तरीके से हम मिसिंग नंबर निकालेंगे दोस्तों, यही इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 7, 6, 9 और संबंधी है 7, 7, 4, 9 डबल संबंधी मिसिंग नंबर, यानी हमें फाइंड आउट करना है क्या मिसिंग नंबर को दोस्तों। किस लॉजिक से ये निकलेगा, यानी कि जिस लॉजिक से ये दोनों बना हुआ है उसी लॉजिक से ही ये भी दोनों बना हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों पहले इन दोनों में लॉजिक ढूंढते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए दोस्तों इतना लंबा नंबर है, तो ज्यादा लंबा नंबर देख करके आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अगर लंबा नंबर हो दोस्तों तो उसको देखेंगे कि किस टाइप से बना हुआ है, यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे टोटल नंबर को। टोटल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो 9, 6, 15, 15, 7, 22 22 वाट दोस्तों कितना आता है, 30 आता है। इसी तरीके से इसको भी जोड़ लीजिए, 7, 7, 14, 14, 4, 18, 18, 9, 27 कितना आ गया दोस्तों, 30 रेशियो 27 में आ गया ये। अब चलिए दोस्तों ये भी उसी हिसाब से आना चाहिए, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 8, 27 यहाँ पे आ गया 27। अब यहाँ पर हमें इस ऑप्शन में से ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका क्या योग कितना हो 30 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 9, 7, 16, 16, 5, 21, 8, 29 ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए 9, 7, 16, 16 और आपका 6, 22, 8, 30 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, 7, 9, 6, 8 दोस्तों। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी कुछ आंसर आपके लाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे कौन सी टिक लगी। इस तरीके से बॉक्स वाला क्वेश्चन है, अगर आपका 3x3 या 4x4 रेशियो या कॉलम में हो तो कैसे दोस्तों उसको निकालेंगे मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखिए ये 3x3 रूप में है, अब यहाँ पर हमें निकालना है ये मिसिंग नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको हम ये देखेंगे कि किस इधर से बन रहा है कि इधर से बन, यानी रो की तरफ से बन रहा है कि कॉलम की तरफ से बन रहा है, ये मिसिंग नंबर बन रहा है कैसे, लॉजिक कौन सी लगी हुई है। तो हमें कुछ यही अंदाज लग रहा है कि 12, 7 से 70 आया होगा किसी भी रूप से, 12, 7 से 70 क्योंकि इधर छोटा नंबर इधर बड़ा नंबर है तो यही आ सकता है, तो इधर ही से ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12, 7, 84 हो जाता है, 70 से ज्यादा हो जाता है। अगर हम 12 उठाएं, अगर इसमें से हम 2 माइनस करके और उसके बाद 10 जो आ रहा है उसके बाद हम 7 से गुणा करें तो दोस्तों 70 आ जाएगा, यानी कि ये मिल गया, यानी यही लॉजिक यहाँ पर भी काम करनी चाहिए। 15 - 2 = 13 आ जाएगा, और 13 में 6 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 78 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि ये। अब यहाँ पर भी वही आएगा, 11 - 2 आपका आ गया 9, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 संबंधी 9 डबल संबंधी 64 संबंधी आपका मिसिंग नंबर, यानी यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर और कौन सी लॉजिक लगी है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8, 9, फिर 64 और फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 और 9 में क्या रिलेशन है वही हमें ढूंढना है। देखिए जितना भी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन रहता है दोस्तों सब में हमें लॉजिक ही निकालनी है कि किस लॉजिक से बना, बस फट देना आएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि 2 का क्यूब है, और 9 क्या दिख रहा है आपका, 3 का स्क्वायर है, और इसी तरीके से ये 64 क्या दिख रहा है दोस्तों, 64 आपका 4 का क्यूब दिख रहा है। देखिए दोनों में अंतर कितना है, 1 है, तो इसलिए इस ये जो है 2 का क्यूब था तो उससे एक बड़ी संख्या 3 का स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से 4 का क्यूब है तो इससे एक बड़ी संख्या 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगी, सेम वही लॉजिक देखिए दोस्तों लगी, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 से 21 बन रहा है तो 1 से 2 से क्या बनेगा, यानी जो लॉजिक यहाँ पे लगी है वही लॉजिक। अगर हम 20 से 21 बन रहा है वैसे डायरेक्ट दिख रहा है 1 जुड़ रहा है, यानी 20 से 21 प्लस 1 कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें प्लस 1 करेंगे 103 आएगा जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये लॉजिक इतनी आसान लगी नहीं सकती। अब यहाँ पर देखिए 20 से बना हुआ 21, मैं कहूँ कि 20 में आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो आएगा 10, 10 में आप 2 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 12। इस 12 के नंबर को हम चेंज कर देते हैं यानी कि हो जाएगा 21। सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम करनी चाहिए, यानी 102 में हम 2 से अगर भाग दे देते हैं तो दोस्तों आ जाएगा कितना, 51, और 51 में फिर उसी 2 को हम जोड़ दे देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 53। अगर हम इसके नंबर को दोस्तों चेंज कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 35। अब देखिए 35 का ही है, हाँ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार टीम के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।